हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश, और आज हम लोग बातें करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन कितने, मतलब क्लासिफाई कितने भागों में किया गया है, ठीक है, उनके नाम क्या क्या है। और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे हाइड्रोकार्बन में। ठीक है दोस्तों, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए बातें करते हैं हाइड्रोकार्बन की, कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा आगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या चीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एल्केन, एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन, एल्केन को हम लोग पैराफिन कहते हैं। और पैराफिन, पैराफिन का मतलब क्या होता है, पैराफिन का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, एल्केन पैराफिन कहते हैं उनको, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसलिए उनको पैराफिन कहते हैं। और एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन, ठीक है दोस्तों, एल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं उनसे हम ऑयल्स प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। ठीक है, और एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन का कोई नामकरण नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जान गए एल्केन को पैराफिन कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, और एल्काइन का कोई नामकरण नहीं है, कोई नॉमिनेशन नहीं है, मतलब नॉमिनेशन है मतलब उसका कोई साधारण नाम नहीं है, जनरल नाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक कार्बन दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो है, ये जो है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसे कहते हैं एल्केन। ठीक है, इसे कहते हैं एल्केन, तो हम लोग इसे कहते हैं एल्केन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम लोग एल्केन कहते हैं। ठीक है, वो कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, वो कोई मेंशन नहीं करती है। उसके बाद एल्कीन्स क्या होते हैं, वो डबल बॉन्ड होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। उसके बाद फिर एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर मैं आपको बताना चाहूंगा एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, मतलब कार्बन के नंबर प्लस हाइड्रोजन का जो नंबर लिखेंगे उसमें कार्बन के नंबर का 2 गुना + 2 उसमें करेंगे, तब जाके हाइड्रोजन का नंबर निकलेगा। ठीक है, इसमें एन क्या है, एन जैसे कि वो नंबर है, कार्बन का नंबर एन मान लिया गया है, तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए एन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो हमें एल्केन मिलेगा। ऐसे ही एल्कीन में, जैसे कि मैंने एन बताया है, वो एक नंबर होता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कोई भी ले सकते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन का यहाँ पे निकालना होगा एल्कीन में, तो उसका 2 गुना कर देंगे, एन का 2 गुना कर देंगे, CnH2n इसका जनरल फार्मूला बन गया। उसके बाद एल्काइन की बात कर लीजिए, CnH2n-2 हो गया, यहाँ पे -2 होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -2 होता है, और एल्केन जो होता है वहाँ पे ये +2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, एल्केन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए मार्स गैस मेथेन, मेथेन CH4, ठीक है, CH4 मैं आपको दिखाता हूं, सिंगल बॉन्डेड है CHH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है लेकिन ये सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है दोस्तों, इसे हम मेथेन भी कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, इसे हम बायोगैस कहते हैं, इसे हम फायर डैम्प कहते हैं, ये सब आपको रटने की जरूरत है, मार्स गैस, बायोगैस, फायर डैम्प, नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एल्कीन्स के एग्जांपल, एल्कीन के एग्जांपल क्या होते हैं, C2H4 ले लीजिए, इथाइलीन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आप एल्काइन का एग्जांपल ले लीजिए, C2H2 एसिटिलीन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।